जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार फिर अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कम से कम 5 लोगों के साथ साझा करें या फॉरवर्ड करें, ताकि आप और हम मिलकर जहरीली मीडिया के प्रोपेगेंडा को धराशायी कर सकें। और आज जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं ना, वाकई मैं निःशब्द हूं। मुझे लगता था कि हमारी मीडिया एक हद तक गिर सकती है, मगर इसके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, इसके लिए वो कोई हद नहीं है जिसे वो पार नहीं कर सकती है। आपको याद होगा जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी, तब सोशल मीडिया में कुछ गैर जिम्मेदाराना तत्वों ने सुशांत सिंह राजपूत की लाश की तस्वीरें जारी कर दी थी। इसकी कड़े शब्दों में आलोचना हुई थी और हमने कहा था कि लोगों की इंसानियत कहां मर गई है कि लोग इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की लाश की तस्वीरों को साझा कर रहे हैं। मगर अब यह काम सोशल मीडिया पर साझा नहीं हो रहा है। इस देश का एक बहुत बड़ा चैनल और शायद भारत के इतिहास का जो सबसे पुराना न्यूज़पेपर है, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया, उससे जुड़ा हुआ एक न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ने जो हरकत की है वो वाकई शर्मनाक है। आपकी स्क्रीन्स पर मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और यहां पर देखिए, पूरे गर्व के साथ ये चैनल ये ऐलान कर रहा है कि हम आपके सामने सुशांत सिंह राजपूत की लाश की तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यूज क्लिक पर हम उन तस्वीरों को नहीं दिखा रहे हैं, हम आपके सामने सिर्फ इस चैनल ने किस तरह से वो किया जिसकी कल्पना आप इंसानियत के दायरों में रहकर कर भी नहीं सकते हैं। इस चैनल ने अपने प्राइम टाइम में, उस वक्त जब आप अपने बच्चों के साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, आप में से कई लोग इस चैनल को देख रहे होते हैं, तब इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की लाश को प्राइम टाइम में पेश किया। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से। जब मैं होशावास में आया और जब मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया तो वो पहला अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया था, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ऐसा अखबार था जिसमें आपको हर तरह की खबरें मिलती थी, राजनीतिक खबरें, खेल से जुड़ी खबरें, फिल्म से जुड़ी खबरें। और अब तक मैं उस अखबार को पढ़ता रहा हूं। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं उनके मालिकों से, ये हालत हो गई आपके न्यूज चैनल की सिर्फ इसलिए कि रिया चक्रवर्ती ने आपके प्रतिद्वंद्वी चैनल को इंटरव्यू दिया, इसलिए टीआरपी के लिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अब आप सुशांत सिंह राजपूत की लाश का इस्तेमाल करेंगे, उसकी लाश की तस्वीरों का इस्तेमाल करेंगे। मगर मीडिया यहां तक नहीं गिरा। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये शायद रिपब्लिक टीवी की कोई रिपोर्टर है और इसमें आप देखिए जो गार्ड है रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर, उसके साथ ये किस तरह की दबंगई कर रही हैं। उस गार्ड का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मगर देखिए इस वीडियो में किस तरह से उसको परेशान किया जा रहा है। देखिए, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो, ये बताओ क्यों झूठ बोलते हो और क्यों हमें रोक रहे हो? आप जाकर के सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो या फिर रिया चक्रवर्ती के इन्फॉर्मर बनकर के काम करते हो? क्यों उनके घर में आपके सोफे पे वीडियो बनाया जाता है? मैंने तो किसी सिक्योरिटी गार्ड को नहीं देखा कि कोई सोफे पे। बात यहां नहीं रुकती है, एक और वीडियो सामने उभर कर आया और जिसकी मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूं। जब एक जोमैटो का डिलीवरी बॉय पहुंचा रिया चक्रवर्ती के घर पर, तो जितने रिपोर्टर्स थे उन्होंने इस जोमैटो के डिलीवरी बॉय को घेर लिया कि भाई तुम क्यों, किसके घर लेकर जा रहे हो, इस खाने के अंदर क्या है, क्यों देकर जा रहे हो, क्यों शर्मा रहे हो, क्या साजिश है। मुझे लगता है कि इन चैनल्स को, मैं नहीं जानता हूं रिपोर्टर्स का कितना दोष है, रिपोर्टर्स कम से कम एक बार अपने संपादक से ना कर सकते हैं, मगर जब आप जमीन पर तैनात होते हैं तो कम से कम यह आप पर होता है कि आप सलीके से लोगों से सवाल करें। आपने पहले वीडियो में देखा गार्ड्स को परेशान किया जा रहा था, अब एक जोमैटो डिलीवरी बॉय को जो घर में खाना देने आया है उसे परेशान किया जा रहा है। अब यह वीडियो देखिए, यहां पर रिया चक्रवर्ती के 60 साल के पिता आते हैं और गिद्धों की तरह
किस तरह से मीडिया उन पर झूम पड़ता है, ये वीडियो देखिए। आगे तस्वीरें मैं आपके सामने क्यों बतला रहा हूं, रिया चक्रवर्ती का अगर गुनाह है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, मगर कल्पना कीजिए अगर वो बेगुनाह है या कोई और गुनाहगार है तो क्या ये न्यूज चैनल्स के लिए माफी मांगेंगे, क्योंकि ये लोग लगातार हैशटैग्स चला रहे हैं, अरेस्ट रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाए, जितने भी लोग सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए हैं उन्हें गुनाहगार बताया जा रहा है या उन्हें कटघरे में रखा जा रहा है, रिया चक्रवर्ती के पिता को, उनके भाई को टारगेट किया जा रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए कानून क्या कहता है कि जब तक आपका गुनाह साबित ना हो आप बेकसूर हैं, मगर यहां मीडिया ने इसके पूरे मायनों को ही बदल दिया है। मीडिया अब क्या कर रहा है कि जब तक आप बेगुनाह साबित ना हो जाएं तब तक आप गुनाहगार हैं, यानी कि आप सीबीआई के सामने बयान देते रहें, करते रहें, और सीबीआई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या कर रहा है, वो रिया चक्रवर्ती की जो व्हाट्सएप की जानकारी है या व्हाट्सएप की जो बातचीत है उसे लीक कर रहा है और उसे मीडिया अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहा है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इसके जरिए आप किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी याद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक बड़े न्यूज चैनल ने उनकी लाश की तस्वीरों तक को दिखा दिया। और इस पर गौर कीजिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि माननीय सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि कोई संदीप सिंह है जो कि दोस्त है सुशांत सिंह राजपूत का, यह लगातार दुबई जाता रहा, और इस संदीप सिंह जिसके साथ आप देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कई न्यूज चैनल्स ने यह तक कह दिया इसके दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात हैं। अब कांग्रेस ने पलटवार किया है और ये तस्वीरें जारी की हैं। आप जानते हैं इन तस्वीरों में वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह फडणवीस के साथ दिखाई दे रहे हैं, जो अपने आप में कुछ गलत नहीं है, मगर आप ध्यान से ये पोस्टर देखिए। ये फिल्म आई थी 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म थी। क्या आप जानते हैं कि संदीप सिंह इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे? और आप खुद से सवाल पूछिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई फिल्म बन रही है तो कोई भी ऐरा गैरा उस फिल्म का प्रोड्यूसर बन सकता है क्या? तो संदीप सिंह के तार सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो अब क्या यही तर्क इस्तेमाल किया जाए बीजेपी के साथ और उन गोदी मीडिया चैनल्स के साथ? क्या यह कहा जाए कि जिस संदीप सिंह के साथ आप कह रहे हैं कि इसके दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात हैं, आप ये तक कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की तथाकथित हत्या इस आदमी ने कराई, और अब जबकि इसके तार बीजेपी से जुड़ रहे हैं, तो क्या इस पूरे मामले को बीजेपी के साथ जोड़ दिया जाए? नहीं ना। मैं इसलिए आपसे लगातार कह रहा हूं कि इस मामले में कृपया बहुत जिम्मेदारी का परिचय दें, मगर वो जिम्मेदारी कहीं नहीं जा रही है। मीडिया लगातार अपने आप को दफन कर रहा है, अपने लिए खुद कब्र खोद रहा है और खुद अपने आप को दफन कर रहा है शर्मनाक हरकतों का मुजाहिरा करके। और बात यहां नहीं रुकती, आपको याद होगा दोस्तों आज से कई महीनों पहले मैंने एक शो किया था इंडिया के रेडियो रवांडा, वो शो क्या था मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर आपके सबसे पहले एक न्यूज चैनल है, इस न्यूज चैनल के संपादक ने प्राइम टाइम में एक शो किया और वो शो क्या था कि हमारे नौकरशाही में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, ब्यूरोक्रेट्स में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, और उसने इसको नाम दिया नौकरशाही जिहाद का। इस मुद्दे को लेकर आईपीएस और आईसीआईएस एसोसिएशन ने कड़ी आलोचना की है, और यही नहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला ने इस मुद्दे को लेकर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन में भी शिकायत दर्ज की है, और उन्होंने अपने इस ट्वीट के जरिए जो आपके स्क्रीन पर है यह हमें बतलाया है कि रजत शर्मा जो कि इंडिया टीवी के संपादक भी हैं और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन में भी शामिल हैं, उन्होंने कहा है कि इस शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं, यह शख्स खुलेआम अपने प्राइम टाइम में
देश के मुसलमानों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा चला रहा है, उसे इस बात को लेकर आपत्ति है कि मुसलमान अपनी मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके, अपने इंटेलेक्ट के चलते सिविल सर्विसेज में उसका सिलेक्शन हो रहा है, और इस आदमी को उस पर भी आपत्ति है। एक तरफ तो तुम ये कहते हो कि साहब मुसलमानों को सही दिशा नहीं मिलती और वो गुर्बत के नीचे रह जाते हैं, गरीब रह जाते हैं, अज्ञानता का शिकार होते हैं। मगर अब जब ये मिसाल सामने उभर कर आ रही है, अगर मैं मान भी लूं कि मुसलमानों की तादाद नौकरशाही में बढ़ रही है, तो इसका तो हमें स्वागत करना चाहिए ना। अगर देश का मुसलमान जिसके बारे में आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं वो पढ़ लिख रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है, तो इस बात की तो आपको स्वागत करना चाहिए, मगर आप एक जहरीला प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस से कि आप इस शख्स पर क्या एक्शन करेंगे, क्या आप इस चैनल पर कार्रवाई करेंगे, क्या आप इसके संपादक पर कार्रवाई करेंगे, या जहर के नाम पर हमारे जो न्यूज चैनल्स परोस रहे हैं सब कुछ जायज है। आज मैं आपके सामने अपना वो कार्यक्रम दिखाना चाहता हूं, फिर से उसका 4 मिनट का ये हिस्सा, रेडियो रवांडा, इंडिया के रेडियो रवांडा। रेडियो रवांडा क्या था और भारतीय न्यूज चैनल्स खुद क्या कर रहे हैं, आप देखिए ये 4 मिनट की रिपोर्ट। रेडियो रवांडा क्या था दोस्तों? रेडियो रवांडा रवांडा नाम के देश में एक रेडियो चैनल था, और उस वक्त के तमाम अखबार, उन अखबारों ने रवांडा के अंदर जो दो समुदाय थे, हुतू और तूतसी, तूतसी समुदाय के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया, उन्हें मारने की वकालत की। नतीजा क्या हुआ दोस्तों? सिर्फ 100 दिन के अंदर 8 लाख तूतसी समुदाय लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है दोस्तों। यह तस्वीर किसकी है मैं आपको बताना चाहूंगा। यह तस्वीर है एन मैरी उविमाना की। कौन है एन मैरी उविमाना? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कि एन मैरी कह क्या रही है। जिस दिन मेरे बेटे की हत्या हुई उस सुबह उसने अपने दोस्त से कहा था कि उसे लगता है कि कोई उसकी गर्दन काट देगा। जब जब मुझे उसकी ये बात याद आती है तो मैं अंदर से टूट जाती हूं। उस दिन सेलेस्टिन 2 हमलावरों के साथ मेरे घर में दाखिल हुआ। उनके हाथों में लंबे लंबे चाकू और तलवार नुमा हथियार थे। हमने अपनी जान बचाकर घर से भागने की कोशिश की, लेकिन सेलेस्टिन ने अपने तलवार नुमा हथियार से मेरे 2 बच्चों की गर्दनें काट दी। यहां पर जिस सेलेस्टिन की बात एन मैरी कर रही है वो तो उनके पड़ोसी थे, सालों से इनके बीच में विश्वास था, मगर उसी पड़ोसी ने आके उसे मौत के घाट उतार दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि 90 के दशक से ही रवांडा के तमाम अखबार तूतसी समुदाय, जो कि माइनॉरिटी में था, तूतसी समुदाय के खिलाफ प्रचार चला रहे थे, उन्हें कॉकरोचेस बता रहे थे। आज मैं उसकी एक झलक आपको सुनाने वाला हूं। यह 1994 से पहले का रेडियो रवांडा का एक प्रसारण है। हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों का तर्जुमा आपके सामने पेश करें, इसे ध्यान से सुनिएगा और इसे सुनकर आपको अपने देश की याद आएगी। सुनिए। Le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous, les Inyenzi, vous n'êtes pas des Rwandais. Ugrava cigarro monani pizza, avanu te coco.
kiturwana tugasimenyeze ngotanye burundu azoze twirubanga no kubaho kuko ruzaba turarwanya kandi batsinda n'udusingo z'ibirumvikana n'utwari gishyira mu gihugu. दोस्तों, जून 1993 में एक नया रेडियो स्टेशन रवांडा में शुरू हुआ जिसका नाम था रेडियो टेलीविजन लीब्रे देसमेल कोलिन्स, RTLMC। इस रेडियो स्टेशन के अंदर जो भाषा थी वो बहुत ही सड़क छाप भाषा थी। यहां पर अक्सर जो उद्घोषक थे वो शराब पीकर आते थे, यही नहीं बल्कि गाली गलौज करते थे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी यानी कि तूतसी समुदाय के खिलाफ। और जब यह नरसंहार शुरू हुआ तो सिर्फ तूतसियों को नहीं मारा गया बल्कि हुतू समुदाय में जो उदारवादी लोग थे, जो तूतसियों के खिलाफ अत्याचार हो रहा था, उन्हें भी उन्होंने मौत के घाट उतारा। यही नहीं, तूतसी समुदाय की कई जो औरतें थीं उन्हें सेक्स स्लेव्स बनाकर रखा गया। तो इस रिपोर्ट में आपने सुना, रेडियो रवांडा में न्यूज एंकर्स शराब पीकर बैठ जाया करते थे, गाली गलौज होती थी, तूतसी समुदाय को गंदे गंदे नामों से बुलाया जाता था, उन्हें कॉकरोच बुलाया जाता था। कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना, क्योंकि आजकल न्यूज चैनल्स में क्या हो रहा है, जनरल जीडी बख्शी जैसे लोग मां बहन की गालियां बकते हैं, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है बगैर प्रमाण के, सिर्फ प्रोपेगेंडा पर, वो भी आपके सामने है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर वो दोषी है उस पर कार्रवाई करो, मगर उसका गुनाह साबित होने से पहले आप उसको गुनाहगार साबित नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू आखिर क्यों लिया, वो आरोपी नंबर एक है। तो मैं उन न्यूज चैनल से कहना चाहता हूं कि तुमने तो न जाने क्या क्या कह दिया रिया चक्रवर्ती के बारे में और उसके परिवार के बारे में। तुम्हें हिम्मत नहीं है संदीप सिंह के बारे में आज अपने प्राइम टाइम में शो चलाओ, जिसके लिंक बीजेपी से साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर तुम एक लड़की को लगातार टारगेट कर रहे हो तो क्या उसको हक नहीं है कि वो भी अपना पक्ष रखे मीडिया के जरिए? बताओ। मुद्दा यह नहीं है कि आरोपी नंबर वन से सवाल किया गया, वो आरोपी है, गुनाहगार नहीं है, और अभी कई परतें खुलनी बाकी हैं, जैसे परतें खुल रही हैं अब। और रही बात मीडिया के जहरीले प्रोपेगेंडा की, तो मैं फिर बतला दूं आपको, मुझे याद है जब मैंने रेडियो रवांडा कार्यक्रम किया था आज से कई महीनों पहले, तो कई लोगों ने इसकी आलोचना की थी कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप हमारी तुलना रवांडा से कैसे कर सकते हैं। मगर आप मुझे बताइए ना, आपके सामने ये तस्वीर देखिए, पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के नए कितने केसेस हैं, 77,266। पिछले 24 घंटों में 1,057 मौतें, अब तक कुल मौतें हो गई हैं 61,529। कुल केसेस कितने रहे हैं, 33,87,501। NEET और JEE को लेकर आपका विद्यार्थी लगातार गुहार लगा रहा है, उसकी कोई आवाज नहीं सुन रहा है। देश की वित्त मंत्री बता रही हैं कि अगर आज की तारीख में GST को लेकर हालात खराब हैं, इकोनॉमी को लेकर हालात खराब हैं, तो ये एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कि खुदा का काम है, ईश्वर का काम है। हमारे विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि 1962 के बाद भारत और चीन में जो हालात हैं इतने बदतर कभी नहीं हुए, चीन अब भी हमारी जमीन पर बना हुआ है। क्या आप इन न्यूज चैनल्स में इस पर डिबेट देखते हैं? नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि रिया चक्रवर्ती के बहाने, चाहे जो लोग रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहे हैं न्यूज चैनल्स में या उसका विरोध कर रहे हैं, ये दोनों ही सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, असली मुद्दों से सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो मुद्दे जो बोल के लब आजाद है तेरे में मैं आपके सामने लाता रहता हूं और रुकेगा नहीं, आगे भी लाते रहेंगे। नमस्कार।